अब वक्त हो चला है अपने कार्यक्रम में खास विषय पर चर्चा करने का। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बेहद अहम विषय पर। आज हम जानेंगे कि किस राशि वाले की किससे होती है ट्यूनिंग, कौन सी राशि करती है किसको सपोर्ट, ये हम जानेंगे। क्योंकि अगर आप टीम वर्क में विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए सफलता की गारंटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आइए शशि जी से जानते हैं कि कैसे हम टीम को बनाएं, कैसे ये जाने कि हमारी किसके साथ ट्यूनिंग बैठेगी। दर्शकों, आज के इस कंपटीशन के ज़माने में आपस की ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। मैदान का खेल हो या फिर ज़िंदगी का खेल हो, आपस की ट्यूनिंग जैसे ही बिगड़ जाती है तो रन आउट हो जाते हैं। यानी पर्सनल ज़िंदगी हो या ऑफिशियल, ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग जानेंगे कि किस राशि वालों की ट्यूनिंग किस राशि वालों से ज़्यादा होती है। यदि हम लोग इन सब बातों का ख्याल रखें तो अपने काम को और बेहतर करने के लिए एक अच्छी टीम बना सकते हैं, और टीम की ट्यूनिंग हमें उन्नति दिलाती है। मित्र भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो नैसर्गिक होता है, दूसरा तात्कालिक। नैसर्गिक मित्र हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है, और तात्कालिक कुछ समय के लिए मित्र होते हैं या फिर प्रोफेशनल संबंध ही होता है। राशि के हिसाब से मित्र होते हैं, लेकिन एक पर्सनलाइज बात है, यानी अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से होता है कि यदि किसी की कुंडली में 1, 5, 7, 9 जो खाने होते हैं, जो भाव होते हैं, उसमें कोई ग्रह अगर बैठा होता है तो ट्यूनिंग के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संगत बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ वो आया है। इस विषय पर किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे पर्सनलाइज तरीके पर। आज हम लोग बॉन्डिंग पे, ट्यूनिंग पे बात करते हैं। आज जो हम लोग आपको इस विषय में बता रहे हैं, इसका उपयोग हम लोग टीम बनाने में कर सकते हैं, बच्चों के लिए ट्यूटर ढूंढने में कर सकते हैं कि कैसे किस राशि का हो, तालमेल कैसे करें, कोचिंग संस्थान है उनके नाम से हो सकता है, गाड़ी के नाम से हो सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। दर्शकों, अब तो कई कॉरपोरेट घरानों में तो एस्ट्रो के माध्यम से कर्मचारियों की क्वालिटी पर भी शोध हो रहा है, उसके विषय में जाना जाता है और इसको व्यवहारिक रूप से प्रयोग में भी लाया जा रहा है। इसमें चंद्र राशि सर्वोत्तम होती है, यानी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि होती है। जो भी टीम बनाने के लिए सभी सदस्यों के लिए जन्मतिथि से चंद्रमा पता लग सकता है, उसमें टाइम की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। दर्शकों, हर व्यक्ति की चंद्र राशि आपको पता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि पूछना व्यवहारिक भी नहीं लगता है। तो उनके नाम के अनुसार जो भी राशि बन रही हो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग उपयोग में लेते हैं। अब वक्त है चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज हम शशि जी से चर्चा कर रहे हैं खास विषय पर और जान रहे हैं कि कौन सी राशि करती है किस राशि को सपोर्ट, कैसे आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, ये हम जानते हैं शशि जी से। दर्शकों, अब समझते हैं कि राशियों में किसकी सबसे ज़्यादा ट्यूनिंग होती है आपस में। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि पे। यदि आपकी राशि मेष या लग्न मेष है तो आपके लिए सबसे उपयुक्त है तुला राशि वाला, नेचुरल रूप से ये मित्र होता है। इसके अलावा सिंह राशि, धनु राशि वाले आपके अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छी ट्यूनिंग होती है। अगर टीम बना रहे हैं तो इन राशि वाले लोगों को शामिल किया जा सकता है। इस ट्यूनिंग में एक बात ध्यान रखनी है कि मेष राशि और धनु राशि वालों को सिंह राशि वालों के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध रखना पड़ता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा सिंह राशि वाला। इसके अलावा धनु राशि और मेष राशि वाले को टारगेट के लिए जी जान से लगना होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा सिंह वाला और बाकी वर्क करेंगे धनु और मेष वाले। वृष राशि पे आते हैं। यदि वृष राशि वाले, अगर आपकी वृष राशि है, वृष लग्न है, तो आपके लिए सच्चा साथी, एक टीम में अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने वाला वृश्चिक वाला होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि वृश्चिक राशि वाला जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा तेज होता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है। वृष और वृश्चिक वालों की मित्रता बहुत अच्छी होती है और इसमें ईगो नहीं आना चाहिए। अगर ईगो आ जाता है तो फिर ये मित्रता टूट जाती है। इसके अलावा जीवन साथी के रूप में कन्या और मकर राशि वालों के साथ अच्छा तालमेल रहता है।
मिथुन राशि पे आते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए सबसे जो इनके लॉर्ड होते हैं वो बुध होते हैं, क्योंकि ये बुध की राशि है, और धनु राशि वाले इनके फास्ट फ्रेंड होते हैं, टीम में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। धनु राशि वाला मित्र मिथुन राशि वाले मित्र के लिए अच्छा प्लानर साबित होता है। इसके अलावा सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले भी अच्छे मित्र हो सकते हैं। तुला वाले आपके साथ संतुलन बनाकर चलते हैं और कुंभ वाले आर्थिक सहायता करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छा जो मित्र होता है, क्योंकि इसका जो कर्क का जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा होता है, और कर्क राशि वालों के लिए मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है, तो मकर राशि वाले इनके अच्छे दोस्त होते हैं, ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। इन दोनों की दोस्ती में कर्क वाले लोग मित्रों की संख्या अधिक होती है, इनकी टीम बड़ी होती है, और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले की आपस की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। वृश्चिक राशि वाले पूरी टीम को लीड करते हैं और कर्क वाले प्लानिंग करते हैं और मकर राशि वाले उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिंह राशि में आते हैं, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वभाव में वो रचनात्मक होते हैं और तीव्र तेजी से काम करने वाले होते हैं, इनके अंदर शासन करने की बहुत अधिक इच्छा भी होती है और क्षमता भी होती है, ये जन्म से ही रूल करने के लिए पैदा होते हैं। वैसे देखा गया है कि इनमें मित्रों के लिए राशि में कुंभ राशि होनी चाहिए, लेकिन ज्योतिषी कारण से ये फिट नहीं होती, तो सिंह राशि वालों के लिए मेष राशि, धनु राशि वाले लोग बहुत प्रगाढ़ होते हैं, बहुत अच्छी मित्रता करते हैं। इसके अलावा तुला वाले, मिथुन वालों के साथ भी संबंध इनके मधुर होते हैं। मेष राशि वालों के लिए मुश्किल में इनको उबार देते हैं, उबारने के में बहुत सहायक होते हैं। कन्या राशि में आते हैं अब, तो कन्या राशि वाले जिसकी भी कन्या राशि है वो भौतिक सुख भोगने की कामना रखते हैं, वहीं इनके जो दूसरे लोग होते हैं जो बुध चूंकि इनका स्वामी है तो ये सर्वोत्तम बुध के लिए तो बहुत अच्छी राशि है, तो मीन राशि वाले इनके साथ ही बहुत अच्छा तालमेल रखते हैं, तो कन्या का मीन के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अलावा कन्या वालों की मकर वालों से, वृष वालों से, कर्क वालों से एक अच्छी मित्रता रहती है। कन्या राशि वाले जो भी पूरी टीम बनाते हैं इसमें ये जो प्लानिंग सेक्शन होता है वो कर्क राशि वाले देखते हैं, उनके सहयोग से ये काम होता है। इसमें वृष राशि वाले सबसे ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कराते हैं। तुला राशि में आते हैं, तुला राशि वाले जिनकी भी तुला राशि है वो बहुत संतुलित रहते हैं, इनकी सबसे अच्छी मित्रता मेष राशि वालों से रहती है, क्योंकि मेष राशि वाला बहुत एक्टिव रहता है, तो ये संतुलित रहते हैं, आधे काम मेष वाला करता है। इसके अलावा वृष राशि वालों के साथ भी इनकी खूब पटती है। बाकी राशियों में से आप मिथुन, कुंभ, सिंह, धनु के साथ इनकी अच्छी तरीके से टीम बन सकती है और काफ़ी इनको अच्छे बॉन्डिंग रहती है, काम अच्छा कर सकते हैं। तुला राशि वाले के मन की बात सबसे पहले ये मेष वाले से ही साझा करते हैं, यानी इस टीम में भी जो सबसे खास होगा वो मेष वाला ही होगा। वृश्चिक राशि में आते हैं कि अंतरंग मित्र अपनी ही राशि वृश्चिक वालों से होती है और मीन, कर्क, कन्या, मकर और वृष वालों से इनकी अच्छी तालमेल होती है। वैसे सबसे अच्छी ट्यूनिंग जो है वो वृष से ही होती है। इसके अलावा सिंह वाले, तुला वाले, कुंभ वाले भी इनके अच्छी गुडबुक में रहते हैं, काफ़ी अच्छी मित्रता रहती है। इनके जो टीम के सभी सदस्य जो होते हैं वो अपनी प्लानिंग देते हैं, लेकिन डोमिनेशन वृश्चिक वाला ही रखेगा, यानी जो रूल करता है वो वृश्चिक करता है, और वृश्चिक कभी कभी होता है कि वृश्चिक की बात करने का तरीका थोड़ा तीखा हो जाता है, इसलिए कभी कभी टीम वाले लोगों का मन खिन्न हो जाता है, लेकिन वृष वाला पूरी टीम को संभाल लेता है। अब आते हैं धनु राशि में। धनु राशि वालों में सबसे अच्छी इनकी बॉन्डिंग होती है मेष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि वालों के साथ बहुत घनिष्ठता होती है। मिथुन वाले जो लोग होते हैं वो धनी की जो ट्यूनिंग होती है वो सबसे अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा यही लोग आपस में कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर करते हैं। धनु राशि वाला तेजी से लक्ष्य को भेदने में एक्सपर्ट होता है, यानी जो भी टारगेट बनाते हैं उसको धनु वाला बहुत जल्दी फुलफिल कर लेता है। इनके अंदर खास बात यह होती है कि ये अपनी टीम की गोपनीय बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, बहुत विश्वसनीय होते हैं।
अब आते हैं मकर राशि में। इस राशि या इस लग्न के लिए कर्क राशि वाले नैसर्गिक मित्र होते हैं। मकर राशि वाले को कर्क राशि वाले मित्रों की बात को शांतिपूर्वक तरीके से सुनना चाहिए, अन्यथा कर्क वाला नाराज जल्दी हो जाता है। वृश्चिक व मीन राशि वाले बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं। साथ ही मकर वाले अपनी टीम से तुरंत ही रिजल्ट चाहते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। अब आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि या लग्न वाले व्यक्ति बहुत स्वतंत्र विचार के होते हैं। इनके मित्र तटस्थ व तुलनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों को नज़दीकी रिश्तों के लिए मिथुन या तुला वाले ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। ये लोग अपने डेटा को बहुत संभाल कर रखते हैं और अपनी टीम से भी यही अपेक्षा करते हैं। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि जिनकी भी है, मीन वालों के लिए कन्या राशि वाले लोग बहुत अच्छे मित्र होते हैं, टीम में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा कर्क वालों से भी अच्छी बनती है। ये बहुत ही चंचल होते हैं, इसलिए अपना डिसीज़न जल्दी जल्दी बदलते हैं। लेकिन कन्या राशि वालों का डिसीज़न मानने के बाद बुद्धिमत्ता पूर्ण वो सलाह देते हैं, जिससे इनके काम बनने लगते हैं।